तो दोस्तों 2024 में YouTube का पहला अपडेट जो आया है ये काफ़ी धमाकेदार जो है वो आया है, जिसे सुनने के बाद जो है आपका जो दिल है वो खुश हो जाएगा। तो दोस्तों क्या है वो अपडेट, चलिए सबसे पहले जो है ये जान लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जो है वो YouTube पर जो है वो वीडियो जो है वो अपलोड करते हैं, और ऐसे में जो है दोस्तों आप जो वीडियो अपलोड करते हैं वो दो तरीके से जो है वो अपलोड करते हैं। पहला जो तरीका है हमारा वो है YouTube के एप्लीकेशन से जो हम अपने वीडियो को जो है वो अपलोड जो है वो करते हैं, और दूसरा जो है हम अपने चैनल को जो है अपने क्रोम ब्राउजर में जो है वो ओपन कर लेते हैं और वहाँ से जो है वीडियो जो हम अपने चैनल पर जो है वो अपलोड करते हैं। मगर दोस्तों अब आप अपने YT स्टूडियो से ही जो है YouTube पर वीडियो जो है वो अपलोड जो है वो कर पाएंगे, और इतना ही नहीं आप अपनी वीडियो पर टाइटल भी लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं, अपनी वीडियो को जो है वो मोनेटाइज भी जो है वो कर सकते हैं, अपने वीडियो को पब्लिक या अनलिस्ट भी जो है यहीं से जो है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों किस तरीके से जो हमें YT स्टूडियो से जो अपने वीडियो को जो वो अपलोड करना है, चलिए इस वीडियो में जो है सीख लेते हैं। तो दोस्तों स्क्रीन पे जो आपको मेरा YT स्टूडियो जो है वो दिख रहा होगा, तो दोस्तों YT स्टूडियो को ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का जो इंटरफेस है वो आपके सामने जो है वो आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों सबसे ऊपर में अगर आप देखेंगे तो आपको जो प्लस का आइकन जो है वो दिख रहा होगा, तो दोस्तों इस प्लस का आइकन पर जो है वो आपको क्लिक करना है, और जैसे आप दोस्तों यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है जितनी भी वीडियो आपने जो है वो बना रखा होगा, अपनी गैलरी में सेव करके रखा होगा, वो सभी के सभी वीडियो जो है वो आपको दिख जाएंगे। तो जिस वीडियो को जो है आपको अपलोड करना है, डायरेक्ट आपको क्या करना है, सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरीके से जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा, और यहाँ से जो आप देख सकते हैं कि आपको जो है वो टाइटल का ऑप्शन जो है वो मिल रहा है, आप यहाँ से जो है वो टाइटल जो है वो लिख सकते हैं। आपको नीचे में जो है कौन सा मिल रहा है, डिस्क्रिप्शन मिल रहा है, तो यहाँ से आप जो है वो बड़े आराम से जो है वो डिस्क्रिप्शन जो है वो लिख सकते हैं। और नीचे में आप देख सकते हैं कि अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो यहीं से आप जो अपने चैनल को जो है वो मोनेटाइज भी कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप वीडियो पर गौर करें तो यहाँ पर जो एक पेंसिल का आइकन आपको दिख रहा है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, क्लिक करके आप चाहें तो यहीं से थंबनेल भी जो है वो लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये जो अपडेट था मुझे जो है वो काफ़ी पसंद आया। आप सभी को ये जो YouTube का अपडेट है वो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जो है वो जरूर बताएं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।